कीड़े पड़े ये इमिग्रेशन वालों को, अभी तक मेरी बेगम का वीजा नहीं लगा यार, 10 महीने हो गए अप्लाई किए हुए। भाई देखिए ये है पूरा हैदराबाद, यहाँ से स्टार्ट करिए, आपको ये मक्का मस्जिद दिखेगी, चारमीनार दिखेगा, चारमीनार के पीछे आपको हाई कोर्ट दिखेगा, ये बाकी सारे हैदराबाद के मॉन्यूमेंट्स है, वही पीछे आप जी हाँ इंडिया के हैदराबाद के मॉन्यूमेंट्स है सारे कुछ। और ये क्या चीज़ है सिडनी, ये सारा सारा कुछ सिडनी है, हार्बर ब्रिज है, आई टावर है, ओपेरा हाउस है, सारा कुछ है यार। भाई बहुत सर्दी है आज यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान में गर्मियाँ चल रही हैं और यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं, मेरा बेड आ रहा है नीचे पीछे, बड़ी बुरी हालात है भाई मेरे कमरे के। यार बात ये है कि समझ नहीं आ रही खाना क्या खाऊं, और ये हर रोज़ का मसला है, जितने लोग भी बाहर रहते हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हों या चाहे वो अपने शहर से बाहर कहीं पढ़ाई करते हों, उन लोगों को यही नहीं समझ आती कि भाई आज खाना क्या है शाम को। कभी सोच रहा हूँ बिरयानी खा लूँ, फिर मैं कहता हूँ रोटी खा लूँ, फिर रोटी खाने का सोचता हूँ तो सोचता हूँ यार मैं क्या खाऊँ, चिकन कढ़ाई खाऊँ, दाल खाऊँ, सब्ज़ी खाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही यार। सब्ज़ी कल खाई थी, चिकन दोपहर को खाया था, बिरयानी परसों खाई थी। फाइनली भाई ये डिसाइड किए कि घर के साथ ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से जाके बिरयानी खाता हूँ, सस्ती भी है, अच्छी भी है, पेट भी भर जाएगा और आराम से घर आके सो जाऊँगा, कल की कल देखेंगे फिर। तो चलते हैं बिरयानी खाने। पाकिस्तान में गर्मियों के रो रहे हैं, हम यहाँ पे सर्दियों के रो रहे हैं। इंसान भी ना कभी किसी हालत में ना खुश नहीं होता, गर्मियों हो तो गर्मियों में रोता है, सर्दियों हो तो सर्दियों में रोता है। घर की रोटी मिल जाए तो उस पर बंदा खुश नहीं होता, और अब बाहर रहते हैं तो कहते हैं यार काश घर की रोटी होती। यार रेस्टोरेंट तो बहुत हैं सिडनी के अंदर और हलाल फूड भी मिल जाते हैं, लेकिन ना मज़ा नहीं है यार खानों के अंदर ना, वो बात नहीं है। एक दो रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन वो महंगे इतने ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत महंगे हैं। चलो पहले फ्यूल स्टेशन चलते हैं, ये ना हो ना कि बंद हो जाए, फिर नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पेट्रोल भी $2 पर लीटर पे पहुँच गया यार, भाई किस किस चीज़ को रोए यहाँ पे। लोगों को लगता है बाहर लाइफ बहुत आसान है, भाई बाहर बहुत मुश्किल लाइफ है, पाकिस्तान से ज़्यादा लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं फिर जाके अपनी सेविंग्स और अर्निंग्स होती हैं। भैंस की दुम, इतनी ट्रैफिक यार, रात को भी यार सिडनी के अंदर ट्रैफिक नहीं खत्म होती यार, मेरी तो समझ से बाहर है यार, ऊपर से भूख लगी हुई है यार। देखो यार $35 का सिर्फ 17 लीटर, कहाँ एक वक्त था यार जब $50 के अंदर मेरी गाड़ी की प्यास बुझ जाती थी और अब $70-80 के अंदर बुझती है। हबीबी हाउ आर यू फॉर यूट्यूब, थैंक यू। पाकिस्तान पाकिस्तान सेम थिंग नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट पे विद दिस। भाई $35 निकल गए, $15-20 की रोटी हो जाएगी, अब बंदा करे तो करे क्या, बैठे बैठे $50-60 का नुकसान हो गया। यही अगर घर में चिकन बनाया हो ना, $7 का चिकन आता है एक पूरा चिकन, $2 की रोटियां आती हैं, प्याज टमाटर डाल के, मसाले डाल के, ऑयल डाल के, $10-11 के अंदर आपकी रोटी बन जाती है। और अगर बाहर से खाना खाने तो कम से कम $25 लगेंगे, साथ में बंदा बोतल भी पी लेता है, फिर हमारी जैसी मीठी ज़ुबान हो तो बंदा कहता है यार मीठा भी खा लेते हैं साथ। अब क्या है यार $25-30 की रोटी पड़ जाती है आपको बाहर खाते हुए। भाई बात यह है कि यहाँ पे ना एक इंडियन रेस्टोरेंट है और उनकी बिरयानी अच्छी है, मैं कभी कभी खाने चला जाता हूँ और फिल वक्त तो वही अवेलेबल है, पास भी है घर के, दिखाता हूँ आपको।
ये रहा रेस्टोरेंट इंडियन हैदराबादी शागुश। भाई कैसे हो भाई? चिकन मटन लैम कढ़ाई है? बस लैम कढ़ाई, लैम कढ़ाई और थोड़ी स्पाइसी रखनी है यार, इनकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा है भाई के पास, मतलब भाई एक शामी भी दे देना साथ यार, और प्याज ज़रूर देना, मैं आ रही हूँ भाई इस वजह से प्याज तो खाऊंगा। भाई आप कहाँ से? हैदराबाद इंडिया से। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। मैं अक्सर भाई की शॉप पे आता रहता हूँ यहाँ पे ना, वीकेंड्स पे स्पेशली आता हूँ क्योंकि जॉब करता हूँ दूसरी, तो फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ। भाई हैदराबाद की जो बिरयानी है ना वो बहुत फेमस है, स्पेशली ये जो है ना शाही प्लेट, ये तो बहुत ही आला है, लेकिन इनके स्पाइसीज हम हैंडल नहीं कर सकते यार। घर में होते थे कितना शोर मचाते थे, खाना क्यों नहीं आया अभी तक, इतना लेट क्यों कर दिया, मुझे कितनी भूख लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे अब कितने तमीज से बैठे हुए हैं, भूख से बुरा हाल है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर, तहजीब, तमीज़ भी कोई चीज़ होती है। यार चिकन कढ़ाई तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार है, मटन कोरमा, तो ये हम चावलों के ऊपर डाल के ज़रा ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है यार, सीरियसली रोटी के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा रोटी कब से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि ये सालन जो है ना ये रोटी के साथ मज़ा देगा, बहुत मजेदार है। सप्ले भी मिलती है इसलिए यहाँ पे आते हैं। थैंक यू। सर सालन बढ़िया है? बहुत मजेदार है भाई। कौन सा सालन है, मटन का या चिकन बीफ का है? मटन है। अच्छा ये मटन है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा नहीं बहुत मजेदार है भाई, रायता तो लागे थोड़ा सा। हाँ रायता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कितने पैसे हो गए भाई? पैसे कितने हो गए? 23 डॉलर हो गए। यस। अच्छा गुलाब जामुन कितने के हैं? 7 डॉलर। $7 के? वो तो मेरे रहने ही दे, मीठा वैसे भी शुगर करता है बंदे को। हो गया जी। मैं ड्रिंक ले रहा हूँ फिर यहाँ से। कोक नहीं पड़ी भाई? भैया कोक अभी खत्म हो गए। वो पेप्सी भी दूसरी वाली नहीं पड़ी? ओए होए कोक ला दें यार। ये है कस्टमर सर्विस, कस्टमर को खाली हाथ नहीं जाने देना, और उसके साथ जो कमिटमेंट की है वो पूरी करनी है। देखा भाई वहाँ से लेके आ रहे हैं, वो देखे मेरे लिए स्पेशल। क्या बात है भाई जान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये था हमारा डिनर आज का, अल्लाह का शुक्र है पेट भर के खाना खा लिया। अब आराम से जाके 2-3 सूटे मारेंगे रात को, और उसके बाद जाके सो जाएंगे। सही है। तो भाई इस तरह होता है यहाँ पे जब आप अकेले रहते हो या आप सिंगल होते हो, इसलिए भाई घर जन्नत है, घर के खानों की क्या ही बात है, अब वो बहुत याद आते हैं। खैर उम्मीद है यार ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, फिर हम दोबारा किसी और वीडियो के साथ आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पे, और अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। टिल दैट थैंक यू सो मच, पीस।